गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात किया था, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे क्या, कंसंट्रेशन सेल के बारे में, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल मींस कहने का मतलब, जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आपका डिफरेंट हो जाए, तो उस समय जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उस समय उस टाइम में आपका जो करंट फ्लो होंगे, उसको बोलेंगे क्या कि कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक हमने देखा कंसंट्रेशन सेल, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन के बारे में। टू टाइप्स के आपके थे कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ बात करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन सेल में ही, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेल में आपने क्या देखा कि अब हम इलेक्ट्रोड जो है यूज़ करेंगे, किसका, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपने फॉर्मूले वगैरह देख ही लिए थे, क्या फॉर्मूला था आपका, ई सेल का जो फॉर्मूला था आपका, ई सेल का जो फॉर्मूले थे आपका, ये था आपका कि 0.0591 बाई एन लॉग कैथोड बाई क्या था आपका, एनोड थे, ठीक है। जब आपने मेटल यूज़ किए थे, जब आपने रॉड क्या इलेक्ट्रोड जो आपने यूज़ किए थे, कौन सा आपने मेटल यूज़ किए थे उस समय। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में ही अगर हम हाइड्रोजन का इन्वॉल्व कर लें, तो अगर हाइड्रोजन का इन्वॉल्व करेंगे तो फिर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ में आपका क्या डिफरेंसेस होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग, सेल इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो फिर उस समय, है ना, उस समय जो आपका ईएमएफ होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलो, तो ईएमएफ का यूज़ करेंगे, तो मींस कहने का मतलब, जो आपका कैथोड है और एनोड है, दोनों साइड आपका क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगे हो, दोनों साइड आपका क्या लगे हो, हाइड्रोजन लगे हो। तो मैं यहाँ पे पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने एनोड लेफ्ट साइड लिखा है, तो ये हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा आपका, एच प्लस, ठीक है। ये आपका क्या, ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद एच प्लस एक्वस, फिर ना उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लो, कैथोड वाली रिएक्शन, एच टू गैस, ठीक है। ये जो गैस है आपका, ये मान लो पी ए टी एम लगा हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ पे भी आपका सेम प्रेशर है पी ए टी एम, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे प्लेटिनियम सॉलिड आपका इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लेटिनियम सॉलिड, ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब ये एनोड पे और कैथोड पे, दोनों पे इक्वेशन लिख लीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है। एनोड की बात करते हैं, ठीक है। एनोड पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या, एच टू गैस से कहाँ जाएंगे आप, एच प्लस एक्वस फॉर्म होगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम कैथोड की बात करते हैं, ठीक है, कैथोड, तो कैथोड पे एच प्लस से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा आपका, टू एच, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपका यहाँ से आ जाएगा, या नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा आपका, एच टू, ठीक है, गैस प्लस टू एच प्लस एक्वस, ठीक है, उसके बाद टू एच प्लस एक्वस, उसके बाद एच टू गैस, ठीक है, एच टू गैस। अब देखो यहाँ पे एच टू गैस, एच टू गैस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू एच प्लस, हाँ ये आपका एक्वस में होगा, तो टू एच प्लस एक्वस ये कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका दोनों ही क्या है, सेम तो है, लेकिन एक किस पे है आपका, कैथोड पे, दूसरा किस पे आपका, एनोड पे। तो ये जो होंगे आपका, ये किस पे आपका, कैथोड पे, ठीक है, ये आपका किस पे है, एनोड पे। और यहाँ जो आपका है, ये मान लो ये वन, दोनों में आपका क्या है, पी वन ए टी एम है, ठीक है, वन ए टी एम है, और इसका भी प्रेशर वन ए टी एम है, तो वन ए टी एम, ए टी एम कैंसिल हो गया। जो कैथोड पे हैं, है ना, इसका जो कंसंट्रेशन लिख लो यहाँ पे, सी वन मोलर, है ना, ये एक्वस, तो इसके भी लिख लीजिए आप सी वन मोलर, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन हो जाएंगे आपका, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, ये आपका एनोड है, तो ये सी वन, ये आपका क्या है, सी टू मोलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कैथोड हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, एनोड हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ई नोट सेल, बताओ ई नोट सेल क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, ज़ीरो होता है। तो
ई सेल अगर बात करेंगे तो ई सेल हाइड्रोजन का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूले पुट करिए यहाँ पे, तो ई सेल इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस क्या होगा आपका, 0.0591 बाई n लॉग क्या करोगे, एच प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय एच प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कौन सा आप लिखेंगे, एनोड, ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड का, ठीक है, एनोड एंड कैथोड का। तो यहाँ से आपका ये वाला टर्म तो जीरो होगा, है ना, ये तो जीरो हो गया। ई सेल क्या हो गया आपका, -0.0591 बाई n, ठीक है। क्या मैं n की जगह पे 2 लिख दूँ, है ना, चलिए तो n की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 2, ठीक है, लॉग, ठीक है। अब देखो एनोड का, तो एनोड क्या आपका C2 और कैथोड क्या आपका C1, तो C2 बाई C1 लिख देते हैं। चलो एक काम करते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, क्या माना है हमने कैथोड का, क्या माना है हमने, कैथोड का C2 है और एनोड का C1 है, तो कैथोड का आपने C2 माना है, ठीक है, तो कैथोड का यहाँ पे क्या होगा आपका, C2 हो जाएगा, C2 बाई C1, ठीक है, C2 बाई C1। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। तो स्क्वायर आगे आते ही तो क्या होगा, -0.0591 बाई 2 इंटू 2 log C1 बाई C2, ठीक है, C1 बाई C2। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, बोलो, माइनस को हम यहाँ से हटा सकते हैं कैसे, पहले 2 को 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 0.0591 है, ठीक है, ये माइनस को हमें ना यहाँ पे अंदर में ले जाके क्या कर लेते हैं, C2 बाई C1 लिख सकते हैं क्या, जैसे कि -log x है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 बाई x, क्लियर है, log 1 बाई x, क्योंकि ये आपका माइनस वाला पावर है, तो ये x की पावर में लिख सकते हैं, x की पावर -1, ठीक है, तो x की पावर -1, तो ये वाला टर्म जो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे C1 बाई C2 है, तो C2 बाई C1 लिख सकते हैं, क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, C1 बाई C2 लिख सकते हैं। तो ये इसको हटाओ, चलिए, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, log C2 बाई C1, तो log C2 बाई, तो C2 जो है आपका ये कौन सा वाला है आपका, कैथोड वाले है, ठीक है, ये आपका किसका है आपका, एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ई सेल क्या हो गया, 0.0591 बाई 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्पॉन्टेनियस वाले कंडीशन अगर मैं पूछूँ, एक क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, अगर मैं स्पॉन्टेनियस पूछूँ तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा बताइए, स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस बताइए, कंसंट्रेशन के टर्म में अगर लिखें, फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन बताओ क्या होगा, C2 greater than क्या होगा आपका, C1, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए बारे में बात करेंगे तो क्या होगा आपका, C2 greater than C1, बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस का तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपका लेस देन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके, लेस देन हो जाएंगे। चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आप इस तरह से ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर आपने याद नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं इसको थोड़ा pH के टर्म में लिखना चाहता हूँ, pH के टर्म में मीन्स कहने का मतलब है कि जो ये जो इक्वेशन लिखा है हमने, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को हम चाहते हैं पीएच के फॉर्म में लिखना, ठीक है, पीएच के फॉर्म, एनोड बाई क्या है, कैथोड है। चलो तो सेम फॉर्मूला हम पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं पीएच के टर्म में, तो ई सेल पहले, हाँ इक्वेशन लिख लें फिर उसके बाद हम ड्राइव करेंगे, तो ई सेल इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बाई n, है ना, तो बाई टू लॉग एच प्लस कौन सा, एनोड, और दूसरा एच प्लस कौन सा आपका, कैथोड, ठीक है, एनोड बाई कैथोड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो कर दिए, तो ई सेल यहाँ पे स्क्वायर है सब में, तो ये स्क्वायर स्क्वायर आएगा, आगे आएगा, ठीक है, ये हॉल स्क्वायर कर दूँ तो हॉल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल के टोटल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, इसको हटाओ, अभी स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर आगे आएगा, तो आगे आएगा तो ये 2 से 2 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया।
टू से टू क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेंगे आपके पास, देखो फाइनल बचेगा आपका -0.0591 लॉग एच प्लस है ना, कौन सा एच प्लस आपका एनोड वाला एच प्लस, और दूसरा कौन सा एच प्लस आपका क्या बचेगा कैथोड वाले एच प्लस। ठीक है, इसको हम और भी आगे लिखेंगे 0.0591। ठीक है, अब देखो 0.0591 है तो इसको हम लॉग को लॉग a बाई b है तो लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। तो लॉग h प्लस एनोड माइनस लॉग h प्लस क्या है कैथोड। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस है तो माइनस है ना। ठीक है, तो माइनस को अंदर ले लें, तो माइनस को अगर हम अंदर ले लेते, चलो बाद में हम माइनस को अंदर ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलो माइनस को एक बार ले लेते हैं एक बार, है ना। माइनस लेंगे तो फिर हमें पीएच के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे माइनस में ले रहे हैं, क्या करेंगे कि 0.0591। ठीक है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन ए हो जाएगा, और या माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिखने का तरीका थोड़ा ऐसे करते हैं, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन कौन सा कैथोड का, ये लिख ले, लिख सकते हैं ना ये। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली अगर माइनस अंदर होगा, माइनस अंदर होगा ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हैं, 0.0591। ठीक, अब ये टर्म बताओ क्या लिख सकते हैं, पी एच माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, तो पी एच कौन सा आपका एनोड का पी एच, माइनस पी एच किसका कैथोड का। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ई सेल, ई सेल ये तब यूज़ करेंगे जब दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या हो आपका हाइड्रोजन हो। ठीक है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एटम आपने हाइड्रोजन गैस आपने फिल किया हो, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या है आपका प्रेशर भी दोनों तरफ क्या होना चाहिए सेम। अगर दोनों तरफ आपका प्रेशर भी सेम हो गए, तो प्रेशर सेम हो गए, तब उस वाले केस में सेल का जो पीएच हो, सेल सेल का जो एएमएफ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा पीएच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जब आपका पीएच प्रेशर भी सेम होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रेशर सेम होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे दोनों जगह है ना, इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड पे, तो उस वाले केस में हम हमारा जो पीएच हमारा जो इलेक्ट ईएमएफ होगा, जो ई सेल होगा है ना, वो यूज़ वो डिपेंड करेगा किस पे, पीएच पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पीएच पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये क्लियर है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। लिखो क्वेश्चन, लिखो प्लेटिनियम, हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेड लिखें, प्लेटिनियम सॉलिड यूज़ किया हमने, ठीक है, एच टू गैस, ठीक है, उसके बाद क्या है एच टू एस ओ फोर, ठीक है, उसके बाद है एच सी एल, ठीक है, एच टू गैस प्लेटिनियम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, 1 बार इसका दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 0.05 मोलर दिया हुआ है, उसके बाद एच सी एल में कितना होता है 10^-3, उसके बाद एच टू गैस में आपका दिया 1 बार। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, डायरेक्ट आपको ई सेल बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क तो आपका जो यूजफुल वर्क होता है वही आपका क्या होता है मैक्सिमम वर्क होता है, यूजफुल वर्क जो होता है वही आपका मैक्सिमम वर्क होता है। एंड डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, इक्वल्स टू यही को होता है आपका ई यूजफुल वर्क होता है, यही क्या होता है यूजफुल वर्क, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली ई सेल का ही वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, ई सेल का तो यहाँ पे आपको पीएच वगैरह दिए हुए हैं, ऑब्टेन है ना फ्रॉम सेल,
चलिए, तो हमें मेरे पास जो फॉर्मूला है क्या है, ई सेल इक्वस टू क्या फॉर्मूला है, 0.0591, ठीक है, पी एच ऑफ किसका एनोड माइनस पी एच ऑफ किसका कैथोड, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है पीएच की, तो पीएच की ज़रूरत है तो बताइए पीएच क्या क्या होंगे। इसमें एच प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, इसमें एच प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा इतना, लेकिन यहाँ पे एच प्लस कितने आएंगे, 2H+ आएगा, ठीक है। एस टू एस ओ फोर है, तो एस टू एस ओ फोर है तो दो हाइड्रोजन है, तो टू हाइड्रोजन है तो टू हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एच प्लस की जगह पे कितने होंगे, 2H+ होगा, तो 2H+ होगा तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा आपका, डबल हो जाएंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि 2 × 0.05 इक्वल टू क्या होगा, 0.1। तो एच प्लस का कंसंट्रेशन जो हो जाएंगे 0.1 होगा 0.1, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10^-1। तो एच प्लस का कंसंट्रेशन है 10^-1, तो बताइए इसका पीएच क्या होगा, तो पीएच हो जाएंगे −log × 10^-1, तो −1 − 1 क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपके, पीएच प्लस होगा, क्लियर। पीएच क्या हो गया आपका, +1 हो गया, तो एक का तो पीएच +1 हो गया। अब देखो यहाँ पे एच सी एल, तो एच सी एल में आपका क्या होगा, एच प्लस ही होंगे, एच सी एल में क्या होगा, एच सी एल प्लस एक ही एच प्लस मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन 10^-3, तो बताइए इसका पीएच कितना होगा, 10^-3 है, तो log − log 10^-3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। इसका पीएच समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आई थिंक तो आ जाना चाहिए, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा एक बार, ठीक है। देखो क्या हम कर रहे हैं कि H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H2SO4 का कितना है, 0.05 मोलर, हमें चाहिए किसका, H+ का कंसंट्रेशन, तो H+ का कंसंट्रेशन से H2SO4 ब्रेक होने के बाद H+ और SO4 2- बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 मोल से कितने बन रहे हैं आपके, 0.05, तो 2 मोल में कितने बन जाएंगे, 0.05, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा 0.1, तो ये कितना होगा, 10^-1, तो इसका जो पीएच होगा, इसका जो पीएच होगा −log 10^-1, तो −1 यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इसका पीएच कितना हो गया आपका, 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करो एच सी एल वाला, तो एच सी एल जो ब्रेक होंगे, एच प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक होगा, तो एच सी एल में आपका कितना है, 10^-3, तो ये एच प्लस का कंसंट्रेशन है 10^-3, तो इसका जो पीएच हो जाएगा आपका −log 10^-3, तो −3 − 3 क्या होगा, प्लस, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, +3 हो गया, तो बस फॉर्मूले में पुट कर लो यहाँ पे, तो फॉर्मूले में जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, 0.0591, ठीक है। एनोड का बताओ, एनोड का कितना आएगा, 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस कैथोड का कितना हो गया, pH 3, तो क्या होगा, 0.0591 × −2, तो −2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस बताओ ओवरऑल जो आंसर आएगा −11182, तो मल्टीप्लाई करिए, 9 × 2 है ना, 9 1 है तो 2 × 2, 9 × 2, ठीक है, यहाँ पे 10 डेसिमल हो जाएगा। तो ई सेल क्या हो गया आपका, ई सेल क्या हो गया, माइनस है ना 0.1182, ठीक है। तो ये तो हो गया ई सेल हो गया, तो आपको निकालना है मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क, तो मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क क्या होता है आपका, फॉर्मूला है डेल्टा जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो डेल्टा जी फॉर्मूला, तो ई सेल आपने निकाल लिया, तो डेल्टा जी इक्वल टू का −NFE सेल, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1, H+ ही हो रहे हैं, तो −1 × 96500, उसके बाद ई सेल अभी आपका कितना आ गया, −0.1182 हो जाएगा, ठीक है, ये जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड देखो कहीं कहीं जगह आपका क्या होता है कि किलो जूल में होता है, तो किलो जूल में करना है तो ये जूल में हो गया, किलो जूल में करना है तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गया सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अगर हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन के फॉर्म में आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सेकेंड टाइप, पहला टाइप का था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले थे, अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या है, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन है ना, इस टाइप के सेल में गैस का जो प्रेशर डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि गैस का प्रेशर सेम किया था, गैस का प्रेशर सेम कर दिया था हाइड्रोजन वाले केस में,
और मेटल आपके सेम थे, तो कंसंट्रेशन हमने वहाँ पे डिफरेंट किए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को सेम रखेंगे और गैस का जो प्रेशर है उसको डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप लिखिए, सेकेंड टाइप में लिखिएगा, सेकेंड टाइप में टाइप सेकेंड है ना, इलेक्ट्रोड गैस, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। क्या करेंगे यहाँ पे, हम प्रेशर को डिफरेंट करेंगे और कंसंट्रेशन को सेम करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एग्जांपल से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि मान लो प्लेटिनियम ले लिया, सी एल माइनस एक्वस, ठीक है, सी एल टू गैस, सॉल्ट ब्रिज लगा लिया, सी एल टू गैस, यहाँ पे सी एल माइनस एक्वस, और यहाँ पे प्लेटिनियम सॉलिड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सी एम मोलर ले लेते हैं, ये पी टू ए टी एम ले लिया, ठीक है। ये तो हम कंसंट्रेशन हम क्या रखें यहाँ, सॉरी, ये तो क्या होगा, गैस है तो इसका प्रेशर यूज़ करेंगे, तो प्रेशर हम यहाँ पे पी टू ले लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन हम सेम ही रख लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम देखो इसका और एक लिखने का तरीका है, ठीक है। इसका लिखने का तरीका आप जैसे अपने तरीका मीन्स करने का मतलब ये, तो हमने क्या क्लोरीन के बारे में बात कर दिया, हम इसमें हाइड्रोजन का भी टर्म ले सकते हैं ना। चलो देखिए, हाइड्रोजन के टर्म में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्लेटिनियम एच टू गैस, ठीक है, उसके बाद एच प्लस हो जाएगा एक्वस, उसके बाद क्या होगा, एच प्लस एक्वस एच टू गैस, ठीक है, और यहाँ पे प्लेटिनियम सॉलिड। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को डिफरेंट कर रहे हैं, पी वन ए टी एम, कंसंट्रेशन को सेम रखें, प्रेशर यहाँ पे पी टू और यहाँ पे सी एन, कंसंट्रेशन हमने क्या रखा है सेम, कंसंट्रेशन उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया इस वाले में, क्योंकि एक्वस है तो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे हम, एक्वस है तो यहाँ पे मोलर और ये क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर, ठीक है। पी वन ये क्या होगा, होगा पी टू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये गैस के फॉर्म में है, एंड दूसरा एक और तरीके से लिख सकते हैं इस वाले को, ठीक है। और दूसरा तरीका हम यहाँ पे लिखा जो आपको बताने वाले थे कि एक और तरीके से लिखते, प्लेटिनियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एच टू गैस, तो हम यहाँ पे क्या है, एच टू गैस लिख लिए, ये एच टू गैस इससे भी कनेक्टेड है और ये एच टू इससे भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक कॉमन लिख देते हैं, एच प्लस एक्वस, और क्या है, एच टू गैस एक्वस और ये प्लेटिनियम, दोनों के लिए आपका हमने यहाँ पे एक कॉमन लिख दिया बस, है ना। तो इस टाइप से अगर आपको लिखा रहेगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पी वन ए टी एम हो गया, ये आपका क्या सेंस है ना, और ये आपका पी टू ए टी एम, क्लियर ना, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं इस पे एनोड एंड कैथोड का, पहले रिएक्शंस लिखते हैं, एनोड एंड कैथोड का रिएक्शन लिखो, पहले एनोड के लिखो, एनोड पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब एच टू गैस से कहाँ जाएंगे आप, एच प्लस एक्वस में, तो टू एच प्लस एक्वस और टू इलेक्ट्रॉन का लॉस। कैथोड पे चलिए, तो कैथोड पे चलेंगे तो एच प्लस एक्वस से कहाँ जाएंगे आप, टू एच, सॉरी एच टू गैस, एच टू गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, तो ये हो गया, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एन इक्वल टू कितना होगा आपका, टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या रखा है, सिंपली कि आपका जो यहाँ पे है कंसंट्रेशन सेम है, इसका भी कंसंट्रेशन सेम है, इसका भी कंसंट्रेशन सेम है, ये पी वन हो जाएगा और ये आपका पी टू हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, एच टू गैस, क्या बनेगा आपका, एच टू गैस, ठीक है, बट ये आपका प्रेशर पी टू हो जाएगा, ये पी वन हो जाएगा, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। ई सेल लिखिए, तो ई सेल इक्वस टू क्या लिखोगे, जीरो माइनस, ना जीरो क्यों लिखा आपको पता है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो होगा, ई नॉट सेल माइनस का है ना 0.0591 बाई एन, तो एन का वैल्यू कितना है आपका, टू, ठीक है। तो लॉग पी वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू क्यों, क्यों ये वाला, ठीक है, सॉरी पी टू बाई पी वन हो जाएगा, पी वन बाई पी टू नहीं, पी टू बाई पी वन, ठीक है।
यहाँ से ये तो टर्म आपका जीरो हो जाएगा गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। अगर आप सी एल टू के लिए निकालेंगे तो सी एल टू का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस 0.0591 बाई टू लॉग पी टू बाई पी वन। हम ये माइनस को हटा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को हटाते ही आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा ई सेल इक्व टू 0.0591 बाई टू लॉग पी वन बाई पी टू हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें स्पॉन्टेनिटी वाले क्या कंडीशन होंगे, स्पॉन्टेनिटी होने के लिए क्या कंडीशंस होगा। तो क्या बताइए स्पॉन्टेनिटी वाला क्या कंडीशन होगा, पी वन ग्रेटर देन पी टू, पी वन ग्रेटर देन पी टू फॉर स्पॉन्टेनिटी। फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगा आपका, पी वन ग्रेटर देन पी टू, ठीक है। चलिए चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।